सबसे पहला कि मेरा जीवन जो है ना खगड़िया के लिए है, खगड़िया के लोगों के लिए है। वहीं हमारा जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित है। हमारा नहीं कोई इसके पीछे नहीं कोई व्यवसाय करते हैं हम, नहीं कुछ करते हैं हम, यहाँ के लोगों के लिए हैं। बगैर जाति बगैर पार्टी के हम जो है ना सेवा करते हैं, और सेवा और सम्मान के साथ सेवा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। खगड़िया के पूर्व विधायक बाहुबली रणवीर यादव जेल से बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने बिहार की महागठबंधन की सरकार को बड़ा चैलेंज करते हुए बड़ा इशारा दे दिया है। उन्होंने खगड़िया के वर्तमान सांसद को गैर जिम्मेदार बताते हुए अपनी पत्नी को आगामी लोकसभा चुनाव में मैदानी चुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया है। रणवीर यादव ने जेल से बाहर आते ही क्या कुछ बातें कही है बिहार की मौजूदा हालत को लेकर, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी को लेकर और यहाँ की सरकार को लेकर, वो हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ किस तरीके से जेल से बाहर आते के साथ ही वो टाल ठोकते हुए नजर आए हैं अपनी पत्नी को लेकर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है, छोड़ जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। सबसे पहला कि मेरा जीवन जो है ना खगड़िया के लिए है, खगड़िया के लोगों के लिए है। वहीं हमारा जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित है। हमारा नहीं कोई इसके पीछे नहीं कोई व्यवसाय करते हैं हम, नहीं कुछ करते हैं हम, यहाँ के लोगों के लिए हैं। बगैर जाति बगैर पार्टी के हम जो है ना सेवा करते हैं, और सेवा और सम्मान के साथ सेवा करते हैं। हम जब आए तो लोगों में है क्या कि हमारे चाहने वाले, या यहाँ के लोगों में एक तो ये धारणा है कि हम आ गए हैं तो अब जनता का काम होगा, सुलभ तरीका से अधिकारी सुलभ तरीका से सुनेंगे, बात सुनेंगे, टालने और मटोलने वाला जो एक्शन होता है वो नहीं होगा। ये लोगों में ये विश्वास है और हम विश्वास दिलाना भी चाहते हैं जी। हमारा तो देखिए, हमारा राजनीतिक जीवन स्वयं का 33 साल का है, और हमारे चाचा रामशरण बाबू का 25 साल का पूर्व का करियर था उनका राजनीतिक। हम उनका उत्तराधिकारी हैं, सांसद रहे विधायक रहे, और हमारी पत्नी भी पूनम जी एमएलए रहे 4 बार, कृष्णा जी रहे 2 बार चेयरमैन। पिछले 2014 के चुनाव में कम ही अंतराल से वो जो है रनर कैंडिडेट रही, 50,000 मत से हारे। मोदी जी का प्रचंड लहर चल रहा था उस लहर में। 2019 में अगर आरजेडी लालू जी टिकट दे दिए होते तो आज खगड़िया का माहौल कुछ अलग रहता। यहाँ का गरीब गुड़वा का अधिकार और सम्मान के लिए दिल्ली में आवाज़ उठता, और खगड़िया का, खगड़िया लोकसभा का, खगड़िया जिला का तमाम जो है सम्मान लोकसभा में के माध्यम से बढ़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और चुनाव तो लड़ना है। अब है क्या कि हमारे पास जो वोट है, हमारे पास किसी कोई एक पार्टी से कम हमारे पास वोट नहीं है। रणवीर के चाहने वाले जो कि साइलेंट वोट है, वो हर जात का है, हर व्यक्ति का है, हर पार्टी का में है। हमारा साइलेंट वोट लोग को दिखता नहीं है, जब वोट होता है तो दिखाई पड़ जाता है उसका वोटिंग के आधार पर। तो हमारा साइलेंट वोट है, वो हर जात का है, हर व्यक्ति का है, हर पार्टी का में है। हमारा साइलेंट वोट लोग को दिखता नहीं है, जब वोट होता है तो दिखाई पड़ जाता है उसका वोटिंग के आधार पर। तो हमारा साइलेंट वोट लेकिन परिणाम नहीं बना सकता है, वो जीत नहीं दिला सकता है। अगर जीत तब दिलाएगा जब सारे राजनीतिक दल अपने अपने अलग अलग लड़े और हम अकेले लड़े, तो वो परिणाम बन जाएगा। लेकिन वो सारे राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं, एक दूसरे के सहयोग लेते हैं, तो हमको भी सहयोग की आवश्यकता है। और हम जिस विचारधारा के हैं, जहां हमारा पहचान, वैसे तो सब दल में मेरा पहचान है, सब लोग चाहते हैं कि रणवीर हमारे साथ हो जाए, रणवीर चुप्पी परिवार हमारे साथ हो जाए। लेकिन हमारा जो विचारधारा है, पहले हम जो है लालू जी, नीतीश जी, लालू जी टिकट भी दिए थे कृष्णा जी को, हमारा कैंडिडेट कृष्णा जी हैं लोकसभा का होंगे, तो उन दोनों से बात करेंगे। अगर हमारी वोट का आवश्यकता है और उन अगर टिकट देते हैं तो हमारा जो परिणाम हम जीत में देंगे, नहीं तो जो हमको पार्टनर बनाना चाहेंगे इसके लिए भी विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। अगर कोई आदमी हमको हमारा वोट लेना चाहेंगे और अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे तो हम
वो भी करने के लिए, खगड़िया के हित के लिए, खगड़िया के लोगों के लिए वो भी करेंगे। महागठबंधन को छोड़ के दूसरे भी दल के लिए अब देखिए, एक्चुअली है कि हमारा जो वोट है वो वोट को अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, हमारे वोट से दोस्ती नहीं करना, फ्रेंडली आप नहीं रहना चाहते हैं कोई भी आदमी, तो हम आपसे कितना दिन फ्रेंडली रहेंगे। 19 में अगर टिकट दे दिए होते तो आज खगड़िया का फिजा होता, एक भी केंद्रीय योजना सही पूर्वक नहीं चल रहा है, लोग तो श्रेय लेना चाहता है। अब जो सांसद हैं वो भी कह देते हैं कि बीपी मंडल पुल का जीर्णोद्धार हमने करवाया। अरे बीपी मंडल पुल आप केंद्र में हैं, बीपी मंडल पुल राज्य सरकार का है, पुल बिहार राज्य निगम का पैसा दिया बिहार सरकार, आपका क्या इसमें भागीदारी है भाई? समझ का अभाव है। आप ग्रिड का उद्घाटन करने के लिए गए तो ग्रिड शिलान्यास उद्घाटन एमपी मिले तो जाएंगे ही, लेकिन कह देते हैं कि देखिए हम पीछे इसमें हमारा बड़ा योगदान रहा। अरे केंद्र सरकार का ग्रिड थोड़े है, वो तो राज्य सरकार का ग्रिड है, आप क्या लाए? अगर लाते एक साधारण साहब यहाँ पर मानपुर में एक ओवर ब्रिज बनवा देते, एक कमलपुर में यहाँ पश्चिमी ढाला पर आप ओवर ब्रिज बनवा देते, आप जानते कि भाई एक ब्रिज बनवा दिए, वो तो डमी सांसद है, वो तो डमी पत्र वाले। आप जानते कि भाई एक ब्रिज बनवा दिए, वो तो डमी सांसद है, वो तो डमी पत्र वाले सांसद भी लोग कहते हैं। हाँ जी, वो पत्र लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं कि हमने इस पत्राचार किया, ये मांग किया, मांग का इम्प्लीमेंट हुआ, धरातल पर क्या आया, क्या उतरा, एक भी योजना वो बता दें कि हम धरातल पर उतारे हैं, लाए हैं, एक भी आपको सही पूर्वक एवं कि उनके द्वारा जो मुख्य प्रधानमंत्री जो संसद गोद लेते हैं गांव का, उनका हालत भी ठीक नहीं है। तो ये माना जाए कि जब आप वापस आ गए हैं तो फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे, तो क्या खगड़िया की राजनीति फिर आप ही गिर्द गिर्द घूमेगी? हमारे पास तो काम, देखिए हमारे पास वोट जो है काम का वोट है, हमारे पास कोई जात का वोट नहीं है, हम काम का वोट है, हमारे पास सम्मान का वोट है, और जो सम्मान और काम जिसको प्रिय है वो कोई पार्टी और जाति से ऊपर उठ जाता है, व्यक्ति वोटर हो चाहे नेता हो। तो हमारा संघर्ष है खगड़िया को स्थापित करने का, खगड़िया को पूरे केंद्र में लोकसभा में के द्वारा पूरे देश पैमाना पर स्थापित करने का, यहाँ का सम्मान बढ़ाने का ये संघर्ष है, और ये सब कुछ तो जनता के हाथ में है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई अपील?